नगर विकास से लेकर नगर पालिका के द्वारा जो मुख्य व्यवस्था है नागरिकों के लिए, शासन के माध्यम से, पालिका के माध्यम से जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, शहर में जो नगर पालिका के द्वारा जो आवश्यक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है का जो पूरे वर्ष क्रियान्वयन किया जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज के इस बैठक में आप सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। साथ ही हम सबके इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब भी यहाँ पर इस बैठक में आज उपस्थित है। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की बैठक में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त अधिकारीगण और समस्त पत्रकार भाइयों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास भी करता हूँ कि लोक महत्व के इन विषयों पर, नागदा नगर के विकास कार्य और महत्वी आवश्यकता के विषयों पर आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है और आप सब इस विषय पर अपनी स्वीकृति देंगे। आप सभी के प्रति एक बार पुनः शुभकामना देता हूँ। आने वाले नवीन नव वर्ष की भी आप सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मैं। कौन वार्ड में काम लेके आए, मेरे वार्ड का काम क्यों नहीं लेके आए? बहन जी, 1 दिसंबर आज सभी जो जो भी विषय है और जो परिषद के कार्य क्षेत्र से संबंधित रहते हैं, जो 20 लाख से ऊपर के जो परिषद के एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए, उन विषयों को हमने प्राथमिकता से लिया है। अन्य कोई ऐसा विषय रह गया है तो उसके लिए आगे आगामी परिषद में उस विषय को रखा जाएगा। आपकी कोई महत्वपूर्ण मांग हो परिषद के वर्णित विषयों के अलावा, आपकी पूरी बात को सदन के द्वारा सुना जाएगा और जो आवश्यक कार्रवाई होगी उसको पूर्ण रूप से किया जाएगा। आपकी जो भी विषय, आपके वार्ड से संबंधित जो भी कामों को लेकर चर्चा है उसको जरूर किया जाएगा। विषय क्रमांक 1, मंडल इंजीनियर पश्चिम रेलवे का पत्र क्रमांक W 343 दिनांक 18/11/19 अप्रोच रोड के सामने भूमि पर पार्क निर्माण के संबंध में विचार एवं निर्णय। तो उनको मैं लेटर पढ़ के सुना देता हूँ। संदर्भित कराया जाता है कि नागदा नगर के अप्रोच रोड के सामने पड़ी रिक्त भूमि अस्थायी पार्क कराए का नियुक्त निरीक्षण दिनांक 27/11/17 को प्रातः 11 बजे किया जाना किया गया है। नियत दिनांक को पार्टी उपस्थित में होने की स्थिति में आपके द्वारा दिया है प्रस्तावित विवरण को गंभीर रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मेन ये कि अधिपत्य प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार का रेल प्रशासन की योजना प्रस्तावित नहीं है। यह प्रमाणित किए जाने की सुविधा प्रदान करने पर रेल पथ का प्रकार कार्य प्रभावित नहीं होगा तथा ट्रैक सुरक्षा खतरे में नहीं होगी। यदि कोई है तो नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि या सहमति भी दें कि अतिरिक्त भूमि करने के उपरांत ही विकास कार्य कराएंगे, साथ ही भूमि की सुरक्षा और प्रभाव और निवेदन किया था। और DRM महोदय को जब यहाँ पर जो हमारे लिफ्ट के लोकार्पण के लिए DRM महोदय आए थे, उस दिन मैंने DRM महोदय को पत्र दिया था। संयुक्त रूप से चर्चा हुई थी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से रेलवे में जो हमारे आस्थित स्वीकृति के रूप में हमें पत्र दिया है, उसमें मेरा आप सब सदस्यों से ऐसा निवेदन है, पूरा आधिपत्य रेलवे के, रेलवे उसकी मालिक है उस पूरी जमीन की, नगर पालिका अतिक्रमण हटाने में सहयोग प्रदान करें। जो भूमि मालिक रेलवे है, रेलवे अपना अतिक्रमण हटाए और हमने जो उनसे स्थान चयन मांगा वहां पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। मात्र एक अंबे माता का मंदिर बना हुआ है, अंबे माता के मंदिर को छोड़कर जो खाली रिक्त भूमि है यदि अगर हमें रेलवे देता है तो उसमें सुंदर हम उद्यान बनाकर उसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे ताकि नागरिकों को वहां पर गंदगी और इन चीजों से निजात मिल पाए और बारिश में जो पानी भरा रहता है जिससे गंदगी और मच्छर और बीमारियां होती है उससे निजात मिलेगी और शहर में, शहर के बीचों बीच है तो वहां पर एक सुंदरता का माहौल बनेगा, सुंदरता वहां पर रहेगी। इस आशा से हम रेलवे खुद अपनी मालिक है जमीन की, रेलवे जो कार्रवाई करेगी उसमें हम सब जनप्रतिनिधि का सहयोग रहेगा, नगर पालिका का जो अमला है और जो अधिकारियों की टीम है उनके सहयोग में हम भेजेंगे।
चूंकि रेलवे और वहां पर रहवासियों का कुछ हिस्से में न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है, तो रेलवे इसके लिए खुद उत्तरदायी है। रेलवे जहाँ हमारा अमला मांगेगी वहाँ हमारा अमला भेज देंगे, इंजीनियर भेज देंगे, CMO को भेज देंगे, ये सब कार्रवाई में हम सहमति देंगे। अब कितना उनका अतिक्रमण है, कितना कोर्ट तय करती है, वो कितना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सफल होते हैं, ये उनके ऊपर है। जो कि हमें आहिस्ताई जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है उद्यान निर्माण करने के लिए, हमको आहिस्ताई उसमें जितना भी निर्माण होगा PIC परिषद से होगा। जमीन रेलवे के स्वामित्व की है, रेलवे ये तय कर दे किस दिनांक को कार्रवाई करना, नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी सहयोग करेंगे। और अगर वो सिद्ध कर दे कि हमारी जमीन पे इन्होंने कब्जा करा है या नागरिकों का कब्जा, तो रेलवे का अपना कार्य उत्तरदायित्व है, रेलवे उसको डिसाइड करे, हमको सहयोगी के रूप में है। ये ऐसी मेरी आप सब लोगों से मंशा है, आप लोगों की आगे जो स्थिति आप जो उचित समझे उसके ऊपर अपन आगे कार्रवाई करें। हमने वही लिखा है विधायक जी, हमने उनको यही लिखा है ने जो प्रस्ताव दिया है, तो अपन जो पुल से उतरते हैं और साइड में जो जमीन पड़ी है उस कच्ची जमीन की मांग करी है, उसी जमीन की मांग की है। नहीं नहीं, अपन तो अपनी जो अपना जो ये जाते हैं कंचनगंज ऑफिस से लेके, तो जो अपना पुल है इसके बीच की जो खाली जमीन है केवल इसी के लिए, और यदि वो अपने को देती है तो निश्चित तौर पर पूरे नागदा के सेंटर में वो एक बगीचा बनेगा, तो एक अच्छा नागदा के लिए एक अच्छा वातावरण बनेगा। उनको लिख कर भी पूरा पूरा ऐसा का ऐसा ही दिया है, उसको करना चाहिए। जो हमने वहाँ पर साइट पर गए थे और जो साइट प्लान देखा था उसमें भी हमने यही निवेदन किया कि साहब जो वर्षों से आप बता रहे हैं कि वर्षों से अतिक्रमण है, आपकी भूमि है तो आपको तय करना है, इसकी कार्रवाई भी आपको करना है, हमने यही उनसे कहा। रेलवे ने जो दे रहा पत्र अपने को अतिक्रमण की बात बता रहा, फिर अपन उस पर कि आप अतिक्रमण हटाओ और अपन भूमि का आधिपत्य ले, तो एक स्पष्ट पत्र अपनी परिषद की ओर से चला जाए कि जो रिक्त भूमि है वो आप परिषद को आधिपत्य में दे दे और उस पर परिषद जो भी उद्यान है वो बनाएगी, वो अतिक्रमण जो नहीं है उस पर, अगर अतिक्रमण वाला विषय जो न्यायालय में चल रहा है उसको छोड़कर जो भूमि है वो हमको अधिपत्य में नगर पालिका को दे। हाँ, ये स्पष्ट लेटर चले जाए तो आगे फिर अपन अपनी कार्रवाई करें नगर पालिका बना के अपन दे दें। इंजीनियर साहब आप लोग समझ गए, आप लोगों को पत्र बनाना है, किसी भी हालत में कोई त्रुटि नहीं रहे। पुरानी नगर पालिका स्थित नव निर्मित दुकानों की जारी द्वितीय एवं तृतीय निविदा के प्राप्त निविदाओं पर विचार। छह निविदाएं कुल 26 दुकानों में से सिर्फ 6 निविदाएं थी जो कि निम्न प्रकार है। दुकान क्रमांक 1 के लिए प्रथम निविदा करते हैं विनोद गुजर, विनोद राठौर सिद्धूला, द्वितीय 731786 और सरकारी बोलेंगे 504,500। दुकान क्रमांक 2 इसमें एक निविदा आई है सरकारी रेट था, जिसमें 5,111,000 रेट आए, अधिक आए ना, अधिक आए। दुकान नंबर 3 सरकारी रेट थे 6,16,700, उसके रेट आए 7,11,786। दुकान क्रमांक 10 सरकारी बोली थी 8,93,300, उसमें आए 11,51,786। दुकान क्रमांक 11 सरकारी रेट थे 11,90,700, उसमें रेट आए 13,51,786। दुकान क्रमांक 23 सरकारी रेट थे 3,20,500, उसमें रेट आए 3,40,000। ये रीति निविदा में है, ऐसा तो नहीं है विवरण इसमें, ऐसा कहीं त्रुटि तो नहीं हुई है कि पहली जो हमारी निविदा थी, जो पहली निविदा में अधिक दर रही थी उसी दुकान की, इसमें नहीं है सर, उसकी दूसरी निविदा में कम तो नहीं हुई है ना, इस बात का विषय ध्यान रखें। इसमें कोई पहली जो निविदा जारी की थी उससे अधिक अगर कम है तो उसको मत कीजिएगा, उससे अगर अधिक है तो कर दीजिए। नहीं सर, इसमें तो नहीं है सर, सबसे ज़्यादा ही है, सिर्फ 6 दुकानों के लिए सिंगल।
सुधार होगा, नगर पालिका की जो आर्थिक व्यवस्था वो भी सुधरना है, सुधरने की और अग्रसर होगी। इसलिए इन दरों को, और अभी दुकान बने के लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है, अगर इस स्थिति में अगर अपन दुकान देंगे तो दुकानें भी व्यवस्थित रहेगी और नगर पालिका को भी राजस्व प्राप्त होगा, और जो शासकीय बोली थी उससे अधिक दर आई है, इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है अधिकारियों के द्वारा। क्यों सीएमओ साहब खड़े होकर बात कीजिए, आप सदन में हम कोई सवाल पूछे या माननीय विधायक जी हम आपको खड़े होकर ही उत्तर देना है ना। आप इसमें हो देख लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। दुकानों की जारी द्वितीय एवं तृतीय निविदा में प्राप्त निविदाओं का विषय बताइए। दुकान नंबर 2 की आई है, बने सिंह नंदू सिंह की जो सरकारी है तो उसी रेट में भरा है, ये स्टेट पढ़ते होंगे। दुकान नंबर 3 है अनिल रामचंद जी की, सरकारी बोली की 6,17,300 बोली लगाई उन्होंने, 11,61,551। दुकान क्रमांक 3 के लिए 6,17,300 जिसमें बोलिए कि अनिल रामचंद जी 11,61,551। दुकान क्रमांक 4 सरकारी रेट का 6,39,900 जिसमें प्रथम निविदा की आपकी आई है 10,21,21,655। दुकान क्रमांक 21,21,655। धन्यवाद दो भैया राजस्व समिति को, इतने अच्छे 4 गुना रेट मिले हैं, ये हम सबके लिए अच्छी बात है। दुकान क्रमांक 7 सरकारी रेट का 7 के लिए वो 17,51,563। क्रमांक 9 और 10 के लिए 2 निविदाएं आई है जिसमें प्रथम सरकारी जो रेट थे वो 9,67,700 थे और रेट आए हैं 9,75,000 जो दिनेश श्रीमती नारायणी स्वामी कृष्णा स्वामी। दुकान नंबर 10 में सरकारी रेट थे 6,52,000। प्रथम बोली थी, प्रथम बोली से अधिक कम आई हो तो उस दर को स्वीकृत मत करना, और प्रथम बोली से अगर अधिक आई हो दूसरी टेंडर में तो उसको स्वीकृत कर लेगा आप काम कीजिएगा। इसमें प्रथम निविदा से बोली कम आई है दोनों दुकानों पर, तो उन दुकानों को छोड़कर बाकी शेष दुकानों को जो अधिक बोली आई है उनको आप स्वीकृत कर दीजिए, और ये सारी कार्रवाई राजस्व विभाग के अधिकारियों से मेरा निवेदन है 1 सप्ताह के अंदर पूरी कार्रवाई करके उनको मालिकाना हक की चाबी देकर वहां पर उनके नवीन प्रतिष्ठान की शुरुआत कर सके 9 वर्ष में। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है दुकान की निविदा प्राप्त होने के बावजूद भी वो कई महीनों बेचारा चक्कर ही लगाता है, एक तो वो पैसा भी जमा कर रहा अपना व्यवसाय चालू करने की स्थिति में, और फिर वो रजिस्ट्री के लिए अन्य कार्रवाई के लिए चक्कर नहीं लगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, 1 सप्ताह यानी 1 सप्ताह के अंदर आपको उसको मालिकाना हक की चाबी दे के उसकी दुकान का शुभारंभ करवाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। स्थित नवनिर्मित दुकानों की जारी प्रथम एवं द्वितीय निविदा में प्राप्त निविदाओं पर विचार। दुकान क्रमांक 1 सरकारी रेट थे 6,16,900 इसमें आई है नकद सेल 6,21,000। दुकान क्रमांक 81,701 ये प्रथम निविदा में आई शहर के विकास से जुड़ा हुआ विषय है, विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजा जन्मे जी बस स्टैंड माननीय विधायक जी इसमें मात्र शासन से हमें 50,00,000 रुपये मिले थे, बाकी जो 2.5 करोड़ रुपये लगा था वो नागदा नगर की जनता से जो हमें टैक्स प्राप्त हुआ था उससे लगा था। मेरा आपसे निवेदन है कि जो राजा जन्मजय बस स्टैंड लगभग 1 साल से बंद पड़ा है उसमें आप नगर पालिका परिषद नागदा का सहयोग करें और ये विश्वास दिलाएं कि हम जल्दी उस बस स्टैंड को चालू कर दें, ताकि जिन लोगों ने व्यवसाय के लिए ये जो आज टेंडर की राशि भरी है उन लोगों का विकास का काम भी, उनका व्यवसाय भी चले, नगर पालिका को राजस्व भी प्राप्त हो, और नगर पालिका नागदा के द्वारा जो करोड़ों रुपए की राशि जो नागदा नगर की जनता के टैक्स के रूप में हमने वसूल करके उस अच्छे काम में लगाए कि उसका फल मिल सके। इसलिए माननीय विधायक जी की सरकार भी है, आज आप खुद स्वयं यहाँ उपस्थित है, मेरा आपसे निवेदन है हाथ छोड़कर के इस राजा जन्मे बस स्टैंड किया आज घोषणा कीजिए विधायक जी, अधिकार वहां की दूरी के लिए अधिकार कोई व्यवस्था लागू करना हो तो हम 4 मैजिक नगर पालिका कम दर पर वहां पर किराए से लगाएगी ताकि नागरिकों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। आज आप ईश्वर की कृपा के आज आप उपस्थित हुए हो तो एक नई सौगात इस नागदा शहर
की जनता को आपको देने का मेरा निवेदन है। ये नागदा नगर का प्रथम नागरिक आपसे निवेदन करता हूं। शहर में बसें चलेंगी, अपनी बस नगर पालिका की, लोगों से किराया कम लेंगे, वो बस ही नहीं आई। आप बोल रहे हो वहाँ तक बस की स्वीकृति नहीं मिली है मल्ला जी, तो को एक बात बताओ आप सुनिए ना, स्टैंड वाले मामले में भी यही बोलोगे ना कि स्वीकृति नहीं मिली है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, राजा जगमजे बस स्टैंड हम पिछले वर्ष चालू कर चुके थे, आज की स्थिति में अगर उसको चालू नहीं करा तो वो जर्जर हो जाएगा, निकाय को लाखों रुपए करोड़ों रुपए का नुकसान। बात सही है भाई साहब, मानने भाई साहब मेरी बात को सुनिए पहले। जो बस हमको पूरी नगर सेवा जो चालू करना थी, नगर सेवा चालू करने के लिए विधायक जी उसमें राज शासन की शर्तें रहती है, इतने किलोमीटर पे आप बस चालू करा सकते हैं। उसमें भी मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा, आपकी सरकार वहां से स्वीकृति मिल जाएगी, नगर पालिका तुरंत वहां पे सुविधा चालू कर देगी। हम मना क्या कर रहे हैं साहब, हम प्रस्ताव काम करने के लिए लाए थे, जनता को सुविधा देने के लिए लाए थे। अब यदि अगर माननीय विधायक जी करा देंगे तो हम सबके लिए इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। सब सही है, पर अभी अभी जो लोकल बातें जो आप कर रहे हो अच्छी लग रही है। आप मेरी बात सुनो, आपको हमने एक निवेदन करा था कि अपन ये 100 वाहन वाला ये 100 रुपए लेना बंद कर देते हैं, पर आपने 100 वाहन के 100 रुपए चार्ज आप नहीं माने। आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा मल्ला जी आपसे निवेदन है, 100 रुपए के नॉमिनल शुल्क है, जिससे की रिकॉर्ड उसमें रिकॉर्ड दर्ज रहता, कहाँ पर गाड़ी गई, कहाँ से आई, रिकॉर्ड दर्ज से लेकर सारी व्यवस्था रहती है, व्यवस्था है। 100 रुपए तो बहुत ज्यादा नहीं है। 100 रुपए आपको यार जिसके यहाँ डेट हुई है उससे 100 रुपए मानते हो, शर्म आनी चाहिए नगर पालिका। क्षेत्र की जनता ने हम सबको क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए चुना है और आप लोगों ने अपने योग्यतानुसार इस नगर के विकास के लिए काम करा। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। या तो कार्यकाल बढ़ेगा या फिर या अंतिम मीटिंग होगी, तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने नगर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम सबका दायित्व कर्तव्य है कि जनता ने हमें चुना है, वार्ड के 500 लोगों को चुना है, तो हम सबका दायित्व कर्तव्य अपनी क्षेत्र की जनता के लिए नगर जनता के जो जो काम हो सके निश्चित रूप से वो करें। मैं अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमने 4-5 प्रस्ताव और 2-4 प्रस्ताव उनको सम्मिलित किए हैं। जहाँ तक बस स्टैंड की बात है, निश्चित रूप से बस स्टैंड के जो शासन के पैसा आ रहा हम बिल्कुल नगर पालिका को दिलाएंगे। वो नगर पालिका जो जो आदेश करेगी, जो जो नगर के विकास में उसका काम होगा, हम निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिला के आपको पूरा साथ देंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं, नगर बस स्टैंड की बात है, निश्चित रूप से वो बस स्टैंड का करोड़ों रुपये खर्च हुआ है, निश्चित रूप से चालू होना चाहिए। बीच में जो बातें हुई थी, क्योंकि हमारा पूरा एकदम पूरा व्यापार व्यवसाय चौपट हो चुका था, यहाँ के जो पायलट की मांग थी कम से कम 2 मिनट का, इसका भी बस बस वालों ने मनमानी करी है। निश्चित रूप से बीच में हमने मीटिंग को बोला भी था कि आप पहले बस वहाँ पर ले जाए, जिससे वहाँ का भी व्यवसाय व्यवसाय भी चालू है। हमारे जो दुकानें ले उनको तो व्यवसाय बस ही नहीं जाएगी, तो दुकान लेके क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें अधिकारियों को मीटिंग लेकर उस पर वहाँ से बसें स्टार्ट हो, वो 2 मिनट इधर आए और उसके बाद रवाना ऐसी उस व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कर्मचारियों को कुशल उच्च कुशल का वेतन दिए जाने के संबंध में PIC द्वारा लिए गए विचार एवं चर्चा पर मौजूद है। पूरे 5 वर्ष हमने नागदा नगर की सेवा की, उस सेवा को साकार करने का काम हमारे कर्मचारियों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा किया है। हमने जब उनसे जो मांगा, उन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी ताकत के साथ, चाहे सुबह हो चाहे रात हो दिन हो, हर कार्य में वो अपने परिपक्व इरादे के साथ, चाहे दीपावली हो दशहरा हो, हम त्योहार अच्छे से मना सके, पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था रहे, उसको कायम रखने के लिए हमने त्योहार मनाया और उन्होंने सफाई की। रात को जब दीपावली आती है, हमारे शहर के नागरिक पटाखे और अन्य
संसाधनों से खुशियां मनाते हैं और वो हमारे कर्मचारी सुबह उठकर उस सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, जैसा कि शासन का जो नियम है कि जो कर्मचारी है उनको अर्ध कुशल अकुशल अर्ध कुशल कुशल की उनको समय समय पर दर दी जाती है। मेरा सदन के सभी सदस्यों से निवेदन है, वो हमारे कर्मचारी भाई जो सफाई का काम करते हैं, जो वर्षों से सफाई का काम कर रहे हैं, अब समय आ गया है उनको नई सौगात देने का। शासन का नियम है, तीन कैटेगरी बनाई हुई है उन्होंने, एक व्यवस्था बनाई हुई है अकुशल अर्ध कुशल कुशल, लेकिन सफाई करने में नाली साफ करने में कौन सा अर्ध कुशल और कौन सा कुशल, ऐसे कर्मचारियों को हमें कुशल की श्रमिक की दर देना चाहिए, ये मेरे मन के भाव है। और आप सब लोगों की सदस्यों की मैं सहमति चाहता हूं कि विभिन्न शाखाओं में जो काम कर रहे हो सकते हैं कंप्यूटर के ज्ञाता हो, टेक्नीशियन अच्छा जानकारी रखते हैं, उनको तो हम कुशल श्रमिक की दर दे ही सही, लेकिन हमारे जो कर्मचारी जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन काम करने में किसी पढ़े लिखे से कम नहीं है, ऐसे समस्त सफाई कर्मचारियों के साथ साथ और भी जो कर्मचारी है उन सभी कर्मचारियों को हमें कुशल श्रमिक की दर देना ही चाहिए, ये उनका हक भी है और हमारा कर्तव्य है। इस परिषद के लिए इससे बड़ा सुगम कोई अच्छा काम होगा नहीं, इसलिए मैं नगर पालिका के समस्त अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ जो PIC के द्वारा निर्णय किया गया है उस निर्णय को परिषद में भी रखा गया है, और उस निर्णय के साथ साथ हमारे सफाई कर्मचारियों को भी जोड़ा जाए और उनको कम से कम कुशल श्रमिक की तो सैलरी देना ही चाहिए, 5-6 हजार रुपए में कुछ नहीं होता है, सरकार उनको स्थायी करेगी जब करेगी, लेकिन ये परिषद है, परिषद निर्णय लेने में सक्षम है और परिषद के निर्णय को सरकार और अधिकारियों को भी नियम के अनुसार मानते और मानना ही चाहिए, और सरकार भी चाहे स्थायी करने का काम हो या व्यवस्था हो यही फरमान जारी करती है कि अधिकार आपके बजट में प्रावधान हो और अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो तो आप ये काम कर सकते हो। इसलिए अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा और सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो हमारे कर्मचारी भाई है उनको हम ग्रेड अनुसार अकुशल अर्ध कुशल कुशल तो दें, लेकिन हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई और बहनों और अन्य जो कम पढ़े लिखे हैं कम से कम जिन्होंने इस निकाय में 3 साल अपनी सेवाएं दी है उनको कुशल श्रमिक की दर दिया जाना चाहिए, आप सबका मेरे ऊपर उपकार रहेगा, इसी आशा विश्वास के साथ सबका समर्थन चाहूंगा, धन्यवाद। इसी महीने आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा व्यक्ति, हम सबकी भी यही इच्छा है। अर्ध कुशल इनकी जो श्रेणियां बनाई और शासन ने बनाई, सफाई कर्मी निश्चित तौर पर अपनी अथक मेहनत से इस शहर को स्वच्छ रखते हैं, उनकी मेहनत का इनाम और उनकी मेहनत का पारिश्रमिक उनको मिलना चाहिए, यह पूरी सदन की भावना है, हम सब इससे सहमत भी है कि आपके जो विचार हैं और परिषद में जो प्रस्ताव आया है उसको सर्वानुमति से स्वीकृत करके हम पहुँचाएं। जैसा कि बहन हमारी सम्मानित सदस्य उषा गुजर जी बोल रही है कि 6 तारीख तक कर दें, अच्छा होता कि आप ये परिषद वाला ये वाला प्रस्ताव 1-2 वर्ष पहले लाते, आखिरी समय में हम ये सफाई कर्मियों के कार्यों का आकलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव सा लगता है, हम अगर इसको पहले ही वर्ष में कर लेते, अध्यक्ष जी आप भी जानते हो, आप समय समय पर बोलते हो कि मैं 5 बजे उठ के स्वच्छता का निरीक्षण करता हूँ, करते भी हैं, करते हैं, मान रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ और बताता भी हूँ कि आप करते हैं, पर हमको इतना देर कैसे हो गई? देखिए साहब, जब उठे जब सवेरा है, हाँ ये मान के चले, हम कर सकते हैं किसी के हित में, ये मान के चले, और मैं चाहूंगा कि शासन से जो मदद इस सर्वानुमति से जो प्रस्ताव स्वीकृत होगा, विधायक जी शासन से हमारी पूरी परिषद की भावनाओं को अवगत करा के
सफाई कर्मियों को उनका उचित सम्मान दिलाएंगे। धन्यवाद। मेरा ऐसा आग्रह निवेदन है कि परिषद यदि अगर सक्षम हो तो इसमें कर सकती, शासन का कोई इसमें आक्षेप नहीं है। आप हम सभी यहाँ है तो एक मन से हम सर्वानुमति से करके और अधिकारी उसका क्रियान्वयन करके इस महीने की पहली तारीख को जो सैलरी डलेगी वो सभी को कुशल श्रमिक की डलेगी, ऐसा आप सबसे निवेदन। मैडम कर सकते हैं, इसमें कोई अर्जुन बाधा नहीं है। परिषद ने यदि कोई निर्णय ले दिया उसके ऊपर आपत्ति लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। नहीं है, धन्यवाद है आपको और सभी सदस्यों का। अध्यक्ष जी और पूरी परिषद की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे जो श्रमिक है इस नगर पालिका के, वो जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिलती थी, और जो भी आपने निर्णय लिया उसके लिए मैं पूरी परिषद, अधिकारीगण, पूरे पार्षदों की टीम को बधाई देता हूँ और सभी श्रमिकों को भी बधाई देता हूँ कि वो और इस नगर के विकास में अपनी सहभागिता करें और इस नागदा नगर को नंबर वन बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। ये जो डिसीजन लिया गया है परिषद की बैठक में आज, कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं जो कि मास्टर पे हैं, जो कि अलग अलग रेट पे काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ उनकी योग्यता, जो काम कर रहे हैं उससे अधिक है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य साहब ने भी बोला कि परिषद जो डिसीजन ले लेती है वो उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, उस पर मालस नहीं लिया जा सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिषद या PIC इसीलिए रखी गई है कि जो शासन के सर्कुलर हैं, शासन के नियम हैं और उनके खुद के पावर हैं एक हद तक, एक लिमिट तक, वहाँ तक वो अपने क्षेत्र में रहकर अधिकार क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। अगर उससे बाहर मतलब अगर होती हैं तो उसमें शासन के नियमों को फॉलो करना जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं इस संबंध में बिल्कुल परिषद का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। क्योंकि आपने इन एक वर्ष में इस नागदा नगर पालिका का, जो मैंने 25 साल से पार्षद हूँ, मैंने कई सीओ देखे, परंतु नगर विकास में किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कोई भी अध्यक्ष हो, किसी की भी सरकार हो, पर पॉजिटिव चलता है। मेरा ऐसा निवेदन है कि ये हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों का हित का काम है, इसमें आप सकारात्मक पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सम्मान देंगे वो। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपको सकारात्मक ही कर रहा हूँ जब से आया हूँ, वो ये नाटक देख रहा है, सकारात्मक ही करूंगा, लेकिन नियम विरुद्ध मैं किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा, ये मैं पहले से ये भी क्लियर कर रहा हूँ। जो श्रेणी में आ रहे हैं कुशल उच्च कुशल उनको बिल्कुल लाभ मिलेगा, जो नहीं आ पाएंगे शासन के सर्कुलर के अनुसार उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, ये मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। शासन का क्या सर्कुलर है बता दीजिए आप। शासन का सर्कुलर ये है सर, आप पढ़ सकती है, मैडम पढ़वा दीजिए। कंडीशन ही होती जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही होती है। ये मध्य प्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित है, इसमें ये बताया गया है मंत्रालय मतलब भोपाल से है, भोपाल 29 सितंबर 2014 का सर्कुलर है। इसके अकॉर्डिंग क्रमांक 4B-4/2014-16 चूंकि राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 क्रमांक 11/1948 की धारा 5 की धारा 1 के खंड बी के उपबंधों के अनुसरण में निम्न अनुसूची के 35 नियोजनों मतलब 35 तरह के काम करने वालों के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F4C 108A 16 दिनांक 30/2008 के द्वारा
निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों के कंडीशन के बारे में रस्ता इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4B1/2014-A16 दिनांक 4 मई 2014 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों जिनके की इससे प्रभावित होने की संभावना है की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 7 मई 2014 प्रकाशित किया गया था। इसका गौरव यह है कि किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन इसमें उच्च कुशल जैसे कि उच्च कुशल मानेंगे अपन कंप्यूटर ऑपरेटर को, स्टेनोग्राफर को, कंप्यूटर ऑपरेटर से स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्निकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि। तो इसमें बेहतर है इसका नौ ये पुराना वाला है, ठीक है, समय समय पर देव सूची के नीचे दर्शाए अनुसार। तो इसमें उच्च कुशल अपन जब ही देंगे जब इस तरह की योग्यता रखेंगे उच्च कुशल के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का डिप्लोमा हो उसमें, स्टेनोग्राफर का हो, तो तभी उसको उच्च कुशल दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें लिपिकीवर के लिए, लिपिकीवर के लिए अकाउंटेंट का उसमें डिप्लोमा है, अगर उसका कैशियर का है, हेड क्लर्क का है, सचिव का है, जनपद पंचायत के सचिव का, ग्राम पंचायत का, तो उसको लिपिकीवर का अपन उसको कुशल जो वेतन मान है वो देंगे। इसके अलावा फिर ये कुशल के लिए है पर्यवेक्षक का डिप्लोमा हो, उसके बाद यहाँ पर आयुर्वेदिक वैद्य का हो, शिक्षक हो, बालवाड़ी या अशासकीय ऑपरेटर, वाटर वर्क, पंप ड्राइवर, प्लम्बर, उपयंत्री, बिजली मिस्त्री, ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक ड्राइवर, वाचनालय संयोजक, इस प्रकार की अगर वो कैटेगरी रखता है तो दिया जाएगा। अर्धकुशल, अर्धकुशल में इसकी योग्यता रखी गई है सहायक मिस्त्री हो या फिर लाइनमैन हो या मॉयटर हो, सहायक बिजली मिस्त्री हो, सहायक ऑपरेटर, वाटर वर्क हो, तो उसको अर्धकुशल दिया जाएगा। साथ ही साथ अकुशल, अकुशल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो मजदूरी कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है, भत्ते है, चरवाहा है, काजी हाउस पर काम कर रहा है, पंप अटेंडेंट है, सफाई कर्मचारी, बालवाड़ी आया, लाइसेंस वेंडर, ग्राम लक्ष्मी जमादार, मजदूर प्याऊ पर पानी पिलाने काम कर रहा है। तो इस तरह की शासन ने कैटेगरी बना रखी है इसमें, और डॉक्यूमेंटली अगर ये सिद्ध करता है, डॉक्यूमेंटली सिद्ध करता है कि साहब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है और ये मैं काम कर रहा हूँ, तब हम उसको देंगे और बिल्कुल देंगे। देखिए सीईओ साहब, हम आपको बता रहे हैं झाड़ू लगाने का कहीं डिप्लोमा मिलता हो तो इनको दिला दो कर्मचारियों को। ये मेरे नियम नहीं है, ये परिषद के द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, इस प्रस्ताव के अनुसार कुशल श्रमिक का दर हमने कर्मचारियों के लिए मांगी है, उच्च कुशल की दर हमने नहीं मांगी। उच्च कुशल के लिए आपको जो कंप्यूटर ऑपरेटर या लिपिकी जो या अन्य जो इलेक्ट्रिक का काम करते हो, आईटीआई हो, उसके लिए लागू होती है। लेकिन इन सब सर्टिफिकेटों के अलावा भी एक बड़ी मान्यता दी जाती है कि उसकी कार्यकुशलता, उस कर्मचारी की कार्यकुशलता अगर अच्छी है और अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप कुशल श्रमिक की दर दे सकते हैं। अगर उसके पास इंजीनियर है, डिग्री है, अन्य दस्तावेज है, अगर उसकी कार्यकुशलता ठीक नहीं है तो उसको नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे इसमें है कि विभाग के जो अधिकारी है उनसे सर्टिफिकेट लेकर उनके कार्यकुशलता के आधार पर, उनके कार्य के व्यवहार के आधार पर, और ऐसे कर्मचारी जिनको 3 वर्ष से अधिक कार्य करते हो गया, ऐसे कर्मचारियों के लिए हमने आपसे उच्च कुशल की, कुशल श्रमिक की मांग की। उच्च कुशल की तो हमने बात ही नहीं की है, हमने कुशल श्रमिक की मांग बात की है। और इस परिषद के प्रस्ताव को आपको मानना होगा, शासन को भेजने का है तो आप भेजिए। शासन की तरफ से यदि अगर उसमें कोई त्रुटि या कोई और संशोधन आता है तो उसको परिषद पारा करेगी। अभी तो आप इस प्रस्ताव के अनुसार उनको जो दर स्वीकृत, जो दर दी जाना चाहिए उसको दीजिए आप। हमने शासन के नियमों को फॉलो करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है उसको कौन सी डिग्री दिलाई है परिषद? बिल्कुल सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, उसके लिए सरकार ने किसी डिग्री का प्रावधान नहीं किया है। आज डिग्री कुशल जोधपुर हमारा लेकर आए थे, उनको हमने सेनेटरी इंस्पेक्टर बनाया है। ज्यादा कर्मचारियों को जो जो इंतजाम किया जाना चाहिए उस परिषद ने बिल्कुल ध्यान रखा है, उनको मान सम्मान भी दिया है। जहाँ जो अच्छा कर्मचारी है, जो हमारा जमादार है, वो जमादार का भी कोई पढ़े लिखे से वास्ता नहीं है, लेकिन अच्छा काम करते हैं, उनको हम कुशल श्रमिक का भुगतान दे रहे हैं। जमादार को कुशल श्रमिक का भुगतान दे रहे, झाड़ू लगाने वाले कर्मचारियों को दे रहे, कौन सा नियम आ गया? उसके जमादार के पास में कौन सा डिप्लोमा यहाँ हुआ है? आप मुझे जवाब दीजिए इस उत्तर का, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आज जितने भी जमादार है उनकी क्या योग्यता है? उनकी कार्यकुशलता के आधार पर हमने जमादार बनाया है? उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उनको हम कुशल श्रमिक का
माननीय विधायक महोदय जी से ये शिकायत और करना चाहूँगी, आप जो सीएमओ साहब ने हमारे सुबोध जी ने आज जब किया था हम लाए, तो वास्तव में ऐसे लाए हो आप कि राजेश जी के अंदर 25 साल हो गए, मेरे को 20 साल हो गए, पूरी ठीक है मैं देख लूंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ केवल आप इशारा कर दो कि ये मान जाए तो मान जाएंगे। सरकार व्यवस्था इस देश की है और उसमें नगर पालिका की भी सरकार अपने आप में एक सरकार है और इसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने भी कराया कि सरकार ने जो निर्णय कराया है सरकार है, वो उसके निर्णय को मान्य करना पड़ेगा और उसको माना संकेत भोड़वे जी ने हम एक बार पहले की परमिशन भी कहते उन्होंने संकेत भोड़वे जी कलेक्टर साहब ने हमसे रखते किस बोला बोले यार तुम सरकार हो बाबा का परमिशन लेना तो बाबा यहाँ पे तो वास्तव में ये सरकार है त्रिस्तरीय सरकार में, इसलिए आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो लिखा पढ़ी करो केवल लिखा पढ़ी केवल इस काम के लिए करना है कि यदि सरकार को या इन लोगों का कहीं करावा नहीं कहीं बचेगा, इसलिए हम आगे विधायक जी से कहते थे कि आपको कहते थे जिनका भी सही हो उसके अंदर है ना, इसलिए कर दो आप उसके काम। माननीय अध्यक्ष बोलते हैं जी जो बोल रहे हैं कि हमने लेके आया उनको ऐसा बोला जाता है जबकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमेशा विधायक जी ये उससे पहले के जो सीएमओ साहब थे उनकी शिकायतें हम लेके जाते थे तो वो बोलते थे कि उन विधायक जी और अध्यक्ष जी से बात कर लो, तो ऐसा रहता है शासन की व्यवस्था है, ये व्यवस्था है शासन की, इसमें ना तो हम पूरा मानो ना हम पूरा मानो तक जो खुद पार्टी बन जाए खुद राजनीतिक तरह से काम करे ऐसा सीएमओ मैंने आज तक वो आज इसलिए लग रहा है कई लोग ऐसे हैं भाई बहन है या भैया कोई भी इतने पढ़े लिखे नहीं कि वो प्रमाण पत्र हर चीज का लाएंगे, तो ये सारे नियम इतने इतने गरीब लोगों के लिए लागू नहीं करना चाहिए। आप लोग करोड़ों रुपए के काम अधिकारी कर्मचारी और सब लोग मिलकर करते हो, गरीब आदमी के लिए आप दुनिया के नियम दुनिया के प्रमाण पत्र मांग रहे हो, शर्म की बात है उनके लिए कि आप लोग गरीबों के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस नगर की ओर से। दूसरी बात निश्चित रूप से सफाई कर्मचारियों को जो मान नहीं मिलना चाहिए आज मेहनत करते हैं बिल्कुल मिलना चाहिए, हम इस दौर में जब पहली बार जब मैं विधायक बना उस समय इनको स्ट्राइक करने का कार्य तत्काल किया गया था, उनको वेतन आयोग का अभी भी दिया गया था, अभी भी हमारी मंशा यही कि उनको अधिक से अधिक मिले और सी ओ साहब से नहीं बनेंगे जो आप इनके हित में कर सकते हो सब काम आप करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है और सभी कर्मचारियों से जो भी है हम सब चाहते हैं कि हमारे सभी कर्मचारी जो रात में मेहनत करते हैं नगर विकास की तो लड़ाई थी परिषद के द्वारा उसको उच्च न्यायालय तक लड़ा गया और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उसमें चार सप्ताह के अंदर मुख्य सचिव महोदय को इस पूरे मामले का निराकरण कर पिटीशनर को रिलीज देकर संबंधित अधिकारी के ऊपर जो कार्रवाई करना वो करना है, चार सप्ताह के अंदर माननीय विधायक जी कौन दोषी है वो भी क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जो आठ महीने का समय इन महाशय के द्वारा इस निकाय का बिगाड़ा गया उसके लिए कुछ है नहीं, शब्द परिषद की अपनी एक मान्यता है लेकिन जिसके कारण कर्मफल में जो लिखा होता है वो उसे मिलता ही है, ये मेरा कर्मफल मानूंगा कि एक ऐसे अधिकारी के द्वारा जो लगातार जिस नगर पालिका को पूरे देश के अंदर सम्मानित करने का काम मिलता था उस नगर पालिका में झाड़ू के भी लाने पड़ गए, ऐसे पीएससी पास अधिकारी इस सरकार के साथ आए थे जो कि हमारा दुर्भाग्य था, ये आकर चले गए उससे दिक्कत की लेकिन हमारे आठ महीने निकल गए कि ये नगर
सहभागिता है, उनसे हम अपनी छवि मानने का काम करते हैं। धन्यवाद। चलिए अगला विषय लीजिए सर। 1000 हुए होंगे आपके द्वारा, उनके काम जो आपके हित के थे उनको छोड़कर बाकी तो सबके लिए लड़ना झगड़ना ही पड़ा। आप 1-8 महीने के लिए उनको पूरा बता रहे हो कि आप देखिए तो पुरस्कार लेने चला है, वर्तमान के जो अभी आए 8-9 महीने का जो आपने अभी बताया कि उसमें टेंडर प्रस्ताव हुए, जो भी करे नहीं करे, टेंडर बुलाए नहीं, लेकिन ये जितने पार्षद यहाँ बैठे हैं उस तरफ भी बैठे होंगे,
उनके वार्डों के जो प्रस्ताव सर्वानुमति से 2-3 साल पहले इस परिषद में पास हुए वो आज तक धरातल पे काम नहीं हुआ है। वार्डों में उनके टेंडर या हमारी बहन बेटी भी जो इसकी पीड़ा थी शुरुआत में परिषद में इन्होंने बोली, रलोतिया जी ने वो यही बोली थी कि इनका प्रस्ताव पारित हो चुका लेकिन टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई। ये प्रस्ताव कब हुआ? 2 साल पहले हो गया। मंदिरों शहर भर के मंदिरों के आगे शेड बनाने का एक प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित हुआ, उसका क्या हुआ? स्नान गृह वार्डो में स्नान गृह बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, उसका क्या हुआ? ऐसे अनेकों प्रस्ताव में मेरे वार्ड का बता दूं, संपूर्ण वार्ड क्रमांक 18 की नालियों का निर्माण कार्य कराया जाएगा, उस प्रस्ताव का क्या हुआ? नालियों का निर्माण कार्य नहीं हुआ। जलावर्धन योजना के अंतर्गत 16 सितंबर 2018 उसकी आखिरी तारीख थी, आज तक वो आदमी पूरा काम करके नहीं दिया, पूरा सड़क खुदी पड़ी हुई है। आपने ये परिषद को बताया था कि 48% राशि पाइपलाइन बिछाने की और 52% राशि उसको मरम्मत करने की है। जगह जगह गड्ढे खुदे हुए, लाइने स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है, वो नालियां वो डली हुई सड़क खुदी हुई सड़क है। उस प्रस्ताव का क्या हुआ या वो अपन क्यों नहीं करवा पाए? ठीक है, अगर सीएमओ साहब ने ये काम नहीं करा तो आपने शासन को उसको भेजा है और आप 4 सप्ताह का जो समय बता रहे हैं वो उसमें जो निर्णय होगा वो होगा, लेकिन इससे पहले के सीएमओ और अधिकारियों ने क्या करा इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये भी एक बड़ी बात है। इतने सारे लोग, ये वार्ड क्रमांक 7, वार्ड क्रमांक 8, 33, ये जितने लोग हमारे, विशेषकर ये वार्ड जो कांग्रेस वार्ड थे, मेरे वार्ड में तो जब पाइपलाइन बिछड़ी थी और वह आधा काम कर लिया था तो वह ठेकेदार मेरे से बोल रहा था कि अध्यक्ष जी का फोन आ गया, अब नहीं करूंगा। ऐसे काम हुए हैं अध्यक्ष जी, हमें मानना पड़ेगा। ये 5 वर्षों में परिषद आपकी ताकत है, लेकिन आप कभी कभी उस ताकत को भूले हैं, यह आपको स्वीकारना पड़ेगा। कभी कभी आपने वो जो चश्मा है वो चश्मा परिषद की दृष्टि से नहीं देखते हुए राजनीति की दृष्टि से देखा, इसका खामियाजा पूरे परिषद को और सदन को भुगतना पड़ा, यह आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम परिषद है हमारी, आपके भी जो सहयोग अच्छा था, लेकिन ऐसे बड़े अनुभव रहे हैं, अंतिम परिषद है, लेकिन सम्मानी जनप्रतिनिधि गण बैठे हैं, कोई किसी का भाग्य नहीं लेता है, कोई किसी का भाग्य नहीं लिखता है, जो विधाता ने लिख दिया है वही होगा। कर्म महान है, हमने अपने कर्म को अपनी कार्य शक्ति बनाया है और जिसने जैसा कर्म किया है उसको ऐसा फल मिलेगा। आदरणीय सुबोध जी, 3 चीजें आपने बोली मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पहली परिषद होगी जिसने राजनीति के भेदभाव को भुलाते हुए सबसे पहले आपके वार्ड में काम करा है। और रोका भी आपने, सुनिए, मैंने जब रोका जब आपका एक लेटर पेड आया उसमें आपने लिखा था कि गुणवत्ता ही काम हो रहा है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। मैंने उसको तत्काल रोका और ये कहा अधिकारियों को, यदि गुणवत्ता ही काम हो रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए, ठेकेदार को बुलाइए और सही ढंग से करें। नहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालने की तो मैं आपको बता दूं, श्रीराम कॉलोनी की टंकी नई लाइन से चल रही है आपकी है। हाँ सुनिए, हाउसिंग बोर्ड वाली टंकी अपना जो रोड के आखिरी कोने तक हम जलावर्धन योजना का पानी पहुंचा चुके हैं। मिर्ची बाजार वाली टंकी इधर वाला हिस्सा बाकी है। जो मुक्तेश्वर वाली मंदिर की टंकी है उससे नई लाइन चालू कर चुके हैं। मेघवास वाली नई लाइन को हम चालू कर चुके हैं। मात्र आपकी भार्गव कॉलोनी वाली टंकी और मिर्ची बाजार का कुछ भाग बचा है जिसकी लाइन को चालू करना है। बाकी 80% से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का काम हो चुका है, कई जगह पर हम नए रोड बना चुके। और बहन जी एक चीज आपको मैं बता दूं, आप मेरी बड़ी बहन है, ईश्वर जानता है आप से बड़ी होगी उम्र छोटी होगी, लेकिन आप मेरी बड़ी बहन है। इस नगर विकास में बेला ग्राम क्षेत्र के अंदर कंपनी या शासन से लड़कर पहली बार इस परिषद आपने से किसी ने बोला था कि वो शौचालय
बोलिए उस दुर्गापुरा के भूमि पूजन जो घर घर नल कनेक्शन देने का था, सड़क निर्माण का था, जो पिछले साल हम भूमि पूजन कर चुके थे, मैंने आपसे कितनी बार आग्रह किया कि पार्षद जी आपका भी कर्तव्य बनता है, अधिकारियों को भी भेजता हूँ, आप खड़े रहकर काम चालू करवा दीजिए। दुर्गापुरा के लोगों ने काम तो रखा है, हमने थोड़ी रखा है, दाग जो लगा है उसको रिंग से धोना पड़ेगा, मैं धोरी हूँ, रिंग से मैं धोरी हूँ, मेरी बात आप एक बात कर, लेकिन आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस एजेंडे पे चर्चा करें, यदि ऐसा करेंगे तो ये एजेंडा का साल का सिर्फ पूरा नहीं होगा, पांच साल एक नगर पालिका में पांच कर्तव्य पूरा नहीं होगा, आप पांच साल बचे रहोगे और आप बोलते हो कि धीरे से निकल जाए एक मिनट, सभी सदस्यों से निवेदन है, ध्यान से सुन लीजिए। से नौ तक छोटे मोटे मरम्मत कार्य की प्राप्त न्यूनतम 10 स्वीकृति के संबंध में ये वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 36 तक है, विषय नंबर 6, 7, 8 और 9 जो इसमें भी इसी द्वारा निर्णय लिया गया है, इसके संबंध में पुनः विचार। सीएम साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये चारों विषय जो 10 स्वीकृति के आए हैं, जो मेंटेनेंस के काम होते हैं, उन विषयों को पीआईसी के द्वारा स्वीकृत किया गया था, उसमें अभी तक आपके द्वारा वर्क ऑर्डर की कार्रवाई किस कारण से लंबित है, आप जवाब देंगे सदन को? इसमें जो भी टेंडर आए हैं, तो टेंडरों की जो एवम टेंडर है, एवम टेंडर इसमें 22%, 23%, 24-25% तक गए हैं, तो जो कि शासन की जो एसओआर दर है उसके अकॉर्डिंग काफी अधिक है। इस संबंध में मेरी ही हिसाब से चर्चा हुई, उनके समझ भी मैंने बताया इस प्रकरण के बारे में, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ये रिपेयरिंग के अपने चार टेंडर लगाए थे, तो जो कि है ना 24, 23.5, 23 और ये 25 के लगभग देखिए सीमा साधन कर प्राप्त हुई है, तो ये सर जी करना था कि ये कर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है 30 साल36 तक के जो मरम्मत के कार्य, किसी दिन मान लो विधायक जी का फोन आ गया कि भैया फलानी नाली का रिपेयर करना है, ठेकेदार तुरंत सामान लेके जाकर रिपेयर करता है, मेंटेनेंस के टेंडर इसके निकाले जाते हैं, जब तुरंत वहां पर अगर कोई रिपेयरिंग का काम हो तो हो, अगर एक रिपेयरिंग के काम के लिए ठेकेदार जाता है तो वहां पर सीमेंट रेती गिट्टी सब लेके जाता है और 500-600 रुपए का मिस्त्री भी लेके जाता है, और मिस्त्री तो पूरे दिन की मजदूरी लेगा ना, और 2017-16 के पहले से भी हम इन्हीं रेटों पर अभाव पर ही रिपेयरिंग के काम मेंटेनेंस के काम कराते आए हैं, और आपको उनका सीएमओ साहब इस चीज पे आपत्ति थी तो जरा बताइए सदन को कि निविदा समिति पे आपने साइन की सक्सेस से, जब आप निविदा समिति पर साइन कर चुके हैं तो ये जो निविदा समिति बनी हुई है उसमें टेक्निकल हमारे दोनों इंजीनियर है, उप यंत्री भी है और यही सब आवेद अली जी के, जब निविदा समिति में आपने उसको धन को स्वीकृत किया कि बाजार मूल्य से अधिक नहीं है, वो निविदा समिति की फाइल निकाली है, वो धन को स्वीकृत किया, परिषद में आपने सहमति दी, पीआईसी में आपने सहमति दी, उसके बाद आप अधिकारियों से राय सुनारी ले रहे हैं, जो जहां का काम रहता है उसको वही टेक्निकल क्लियर करना पड़ता है, और ये जो दर आई है 2017 में भी यही दर आई है, और उसको भी परिषद से किया था, और सुबोध स्वामी जी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो विषय है तीनों चारों मेंटेनेंस के, ये 5 मार्च की परिषद का विषय, इसको परिषद में मैं लाया इसलिए क्योंकि 20-20 लाख के काम थे, वो 4 काम थे 80 लाख के अंदर 36 वार्डों में रिपेयर
रिपेयरिंग के काम अत्यंत हो जाते हैं और पूरे साल रिपेयरिंग के काम चलते हैं। उसमें कोई आम नागरिक भी बताता कि यह गड्ढा हो गया है रिपेयरिंग करना, ठेकेदार को बोला जाता था, अधिकारी और हमारे द्वारा वहां तुरंत रिपेयरिंग का काम होता था। 2000 इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वार्ड क्रमांक 1 से 19 2017-18 में यह 22% अभाव था। उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये 1 से 10 वाला 22.95 अभाव था, 24% अभाव था और 24% 97 अभाव था। इसके बाद में 18-19 में 22% था, फिर 22% था, फिर 22% था और फिर 22.80 था। अभी 2019 में जो दर आई है 22 से लेकर 24% बढ़ी है, 2% की बढ़ी है। इधर 1 से 10 में पहले जो 22.65% थी तो 23.55 हुई है, 19 से 27 में 24.97% थी तो वो अभी 22.90 हुई है। कुछ में कम हुई है, कुछ में बढ़ी है। और इधर वार्ड 28 से 36 तक 2017-18 में 24.77 थी तो अभी 24.95। परिषद ने ही इन दरों को पिछली बार भी स्वीकृत किया है, निविदा रिपोर्ट और निविदा में आपके साइन है। और जब हमने टेंडर बुलाए हैं और टेंडर की जो निविदा होती है उसमें सीएमओ का अधिकार रहता है कि अगर वो उस दर से अधिक है तो सीएमओ वही अपना ऑब्जेक्शन लेकर राय सुनवाई ले लेते हैं। पीआईसी के अंदर आपने ले लिया और उसके बाद आप राय सुनवाई कर रहे हो, पीआईसी के निर्णय को नहीं मान रहे हो, तो ये कौन सी बात की, ये कौन सी डिग्री ली आपने? अगर आपको आपत्ति थी तो दर्ज में जो दर आपने स्वीकृत किए जो टेक्निकल में आप पार्ट में हो वो टेक्निकल में आपको साइन नहीं करना थी। टेक्निकल दर की जो समिति बनी हुई है उसमें आप हो, उसमें आपने स्वीकृति दी और इसी परिषद ने इन सभी दरों पर काम किया है और अति महत्वपूर्ण विकास के कार्य रहते हैं ये जितने भी रिपेयरिंग के काम रहो अभी तक हवाओं में लग करता है। एक रिपेयरिंग के काम के लिए आदमी जाता है तुरंत जाता है करता है, कहां दिक्कत आ रही इस काम में? छोटे छोटे रिपेयरिंग के काम है, अभी ये स्थिति को जहां सी नाली रिपेयरिंग करना पड़ती है तो उसके लिए सोचना पड़ता है। एक साल में तो आपने टेंडर बुलाए हैं और ये आखिरी परिषद है, आप इस बात को नहीं माना था, 6 महीने करेंगे क्या, कैसे रिपेयरिंग के काम करोगे? और ये वही दर है जो 3 साल से आप स्वीकार करते आए हो। इसी तरह के विषय आए वार्ड क्रमांक 1 से 18 तक मरम्मत के कार्य पर विचार निर्णय प्राप्त न्यूनतम दर और फिर उसके बाद 1936 तक। लेकिन कभी भी परिषद की बैठक में परिषद के सदस्यों को यह नहीं बताया गया कि जो टेंडर की तरह आई है वो एबाव है कि बिलो है। पहला ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ऐसा आप मालूम है, आप ही उठे थे, मैंने सुन लिया, मैंने सुनी आपकी बात, आप भी सुने। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी गण खड़े हैं, पिछली परिषदों की बैठक की रिकॉर्डिंग ले लें और उस रिकॉर्डिंग में इन विषयों पर अगर कोई बात हुई हो तो बता दें, आप सही मैं गलत हो जाऊं मैं मानूंगा उस बात को। 24% एबव मरम्मत का टेंडर, 22% एबव मरम्मत का टेंडर, नए निर्माण कार्य का अगर कोई टेंडर पारित होता है तो बिलो 3%, 2%, 7% और एक ठेकेदार ने तो करीब 10 से 12% बिलो भी निर्माण कार्य कर दिया। सिर्फ मरम्मत का टेंडर 22% या 24% दबाव आए और हम उसको ऐसे ही पारित करें, ये तो नगर की जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा जिसको हम निर्माण कार्य विकास कार्यों में लगाते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होगा। आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे निर्माण कार्य ठेकेदार चला जाता है लेके चला जाता है तो उसको पता है, उसको ये नहीं मालूम है जब टेंडर भर रहा है तो उसको मालूम है कि मेरे को ये काम करने पड़ेंगे। 24% दबाव 22% दबाव किसी के भी गले उतरने वाला रेट नहीं है। आप लोगों को अगर मालूम हो या आप लोग इससे सहमत हो तो बात अलग है, लेकिन नए निर्माण कार्यों में अगर टेंडर बिलो 2-3% आता है तो मरम्मत का टेंडर 24% एवाओ कैसे जाएगा या किसका कैसे जा रहा है? मैंने पिछले जो टेंडर देखे वो भी देखे कि ऑनलाइन प्रक्रिया हो या कोई सी ऑफलाइन प्रक्रिया हो, एक व्यक्ति एक ही ठेकेदार उसमें टेंडर डाल रहा है और इसलिए उसी को प्रदान किया जा रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी लगता है कि नूरा कुश्ती वाला मामला है कि यार 24% डाल दिया, बाईस प्रतिशत डाल दिया, 23% डाल दिया, बताइए कितने टेंडर आए इसमें मिर्जा जी? इसके वार्ड नंबर एक के मोर्चे के आए थे अनिल सोन और आनंद मिलगांव के, तो इसमें आनंद मिलगांव का रेट आया था 24.11% अधिक 48। उसके बाद थे अपने अनिल सोन जी का कितना है? अनिल सोन का है 24.91% अधिक, मतलब आनंद मिलगांव का 24.11 आया, अनिल सोन का 29.92 ज्यादा आया। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा दूसरा वार्ड नंबर 10-18 तक के हमें जगता का हुआ, बिल्कुल। इसके बाद वार्ड क्रमांक 19-27 तक के उमेश कुमार जगता का 24.10% अधिक और राम कुमार भरोसी का 22.90% अधिक, बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट का है अनिल सोन का 24.91 और आनंद बिलकान का 28.11%। ठीक है, अब आप बैठ जाए। डाल दिया और आनंद मिल्टन ने कम डाल दिया तो उसका स्वीकृत हो गया। दूसरे वाले में आनंद मिल्टन मनी अनिल सोन ने कम डाला, बोरासी जी ने ज्यादा डाल दिया, अनिल सोन स्वीकृत। बोरासी जी ने कम डाला और जगताप जी ने ज्यादा डाला, बोरासी जी स्वीकृत। ये तो कोई भी इस क्षेत्र के जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए और भाव दर्शक दीर्घा में सुन रहे हैं या कर्मचारी, ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये टेंडर प्रक्रिया मिली जुली नूरा कुश्ती के तहत डाली गई। देखिए इसके लिए बाहर से अलग से बुलाएं ठेकेदारों को? नहीं, बुलाए वाली बात नहीं है। अगर 24% डाल के अगर हम उसको स्वीकृत कर रहे हैं तो उसको बुला बुलाई जाएगा, लोगों के पैसों के साथ में मजा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भ्रष्टाचार ये मामला, ये पूरा मामला भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है कि यह कहीं ना कहीं ठेकेदार मोटा माल के चक्कर में अबाउट टेंडर डालकर अपना लाभ चुप का गेम खेल रहा, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए इन पूरी प्रक्रिया में जिसमें अबाउट टेंडर गया हमारा विरोध है, इसको निरस्त कर नए प्रक्रिया से टेंडर बुलवाया जाए। आपने बोला इसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट वाला मामला है, जो भी बोल रहे हो आप, पिछले पुराने 3 साल के रिकॉर्ड ये हैं बड़े मेरे पास, और भी पुराने रिकॉर्ड के निकाल लो, क्योंकि ये जो मामला रहता है इधर बाजार का क्षेत्र का तो ठीक है, जो हमारे बिरला ग्राम क्षेत्र की झुकी झुक है ना, जो ठेकेदार है ना, उनकी दाढ़ी में हाथ डाल डाल के और उनसे टेंडर डलाए जाते हैं, क्योंकि डाल दो भैया डाल दो, क्योंकि कोई भी प्रिपेयरिंग का काम कोई भी ठेकेदार करने के लिए तैयार नहीं रहता। आप भले ही कुछ भी आरोप लगाओ, आपकी बिना हड्डी की जबान है, आप कुछ भी कह दो, अगर आप हकीकत में चाह रहे हैं आपकी जबान में हड्डी है, किसी के भी नहीं, मेरी किसी किसी के भी नहीं है, आप किसी के जाके कह दो वो कुछ भी कह सकते हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है। अगर वास्तव में आप ये जो ठेकेदार हैं यहाँ के ठेकेदार भी आपके संबंधित होंगे, आप कोई भी ठेकेदार टेंडर डालने के लिए तैयार ही नहीं रहता, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी भी टाइम में कैसा भी काम बताता और उसको बेचारे को उठ के जाना पड़ता है, सारा काम छोड़ के और करना पड़ता है, इसलिए छोटे छोटे कामों करने के लिए, और उसकी फिर पैसा भी लगा रहता है, साल भर तक पैसा लगा हुआ रहता, उसको कब मिलता है पैसा, साल भर में 6 महीने में साल भर में पूरा एक साल उसका पेमेंट होता, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें रहती है, इसलिए अबाउट पेमेंट अबाउट रेट डलते, इसमें आप जैसा कह रहे हो सब बिल्कुल नहीं है, और ये रेट यदि आप भी पार्षद है क्योंकि आपके उसमें ही पड़ा और ये हुआ है, और आपके रिपेयरिंग भी होते रहते, मेरे रिपेयरिंग भी होते, इनके रिपेयरिंग भी होते रहेंगे, इसलिए सुचारू रूप से व्यवस्था सबके होते हैं कि आपके कहने से ही होगा। कई काम ऐसे थे कि जो आपके वार्ड के लोग मेरे को बता सकते हैं, किसी से भी कुछ लोग उसके बाद इसके वार्ड में हमने भूमि पूजन करके आया, अधिकारी 10 बार काम करने गए, वो जो सरकार पहले हमारे साथ थी वो
करना चाहिए, इसका वाकई काम नहीं करते, सामान उठाने थे और निविदा समिति में यस वो अपन रहेंगे नहीं रहेंगे मेरी बात तो सुनो, फिर नए टेंडर तो 2-3 महीने फिर खराब होंगे। विधायक जी को हमारा तो निवेदन क्या करेंगे, 5 महीने का करा, कोई आपत्ति नहीं है, ये भी करोगे तो कोई आपत्ति नहीं है, 5 महीने दिक्कत है, फिर 2-3 महीने जाएंगे नगर निगम वाला और कुछ नहीं है, यही दिन चाहते थे तो इसी में है कि करना चाहिए क्योंकि हम तो 6 तारीख के बाद विधायक जी चलेगी आपकी चलेगी तो आपकी राजनीतिक जागरूकता इसी में हम तो प्रस्ताव ही इसीलिए ला रहे थे इतना सारे सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इतनी दिक्कत आती है कि मेरा वार्ड में 25 नंबर में हिंदू कॉलोनी की चैम्बर लाइन चौक है, मैं साल भर से मिर्जा जी बोल बोल के परेशान हो गया, वहां पे लोग कैसे रह रहे, मतलब कभी कभी पानी ऊपर आ जाता है, तो सफाई कर्मचारियों से कैसे करके अपन काम कराते हैं, तो मेंटेनेंस के महत्व को समझना चाहिए। बिरला ग्राम में क्या होता है, रेती ले गया भैया कहीं पे भी रात को भैया जो अभी मकान बनाते वो भी रात भर घर पर जगे रहते हैं, अभी अपने यहाँ भी मकान यार कोई भर नहीं जाए, इसीलिए क्या है मेंटेनेंस का काम कब किस अभी बरसात होगी क्या जरूरत पड़ जाए, ठीक है भैया सबकी सहमति से है। अगला विषय है अध्यक्ष जी को आप 11 क्रम 10 से लेकर 17 तक सभी वार्डों का जिसमें इसमें उल्लेख है उसमें सीसी रोड निर्माण भी है और नालियों का भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वार्ड नंबर 8 को भूल गए, भूले तो आप 5 साल से थे, मैं तो लिखते रहा देते रहा चिल्लाते रहा यहाँ हंसी का पात्र भी बनता रहा है ना, लेकिन ये जो लास्ट है क्योंकि 6 तारीख जैसे भी दादा ने कहा कि 6 तारीख को हम सबका यहाँ से आगमन हो जाएगा है ना, लेकिन आपने 10 नंबर से 17 नंबर तक सीसी रोड और नालियों का निर्माण, लेकिन वार्ड नंबर 8 जिसमें सबसे मेन रोड जन्मेजय मार्ग यूको बैंक से टंकी चौराहे तक कई बार मैं आपको लिखित में दे चुका हूं, उसके बाद भी दोनों साइड की नालियां ओवरफ्लो हुई, डेंगू तक हुआ, वहां टीम आई है, डॉक्टरों की टीम आई है, लेकिन आज तक उस रोड की सुध नहीं ली, मरम्मत में अपन चल रहे थे पूरा रोड खुदा हुआ, लोगों के डिस्क खराब हो गए, हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए, आप हंस ले तो क्या नहीं बोल रहे, मीडिया देख रहा है, आपका सब देख रहा है, आप झूठ नहीं बोल रहे, उसको मौत रोक देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, पर एक चीज और आपको बता दूं, एक मिनट, वार्ड क्रमांक 8 के अंदर घर घर कनेक्शन भी इस जीवन फैक्ट्री के अंदर हमने भी एक लेकिन चालू नहीं हुआ, सुनिए चालू नहीं हुआ, हमने भी जानना है कि उसको जब मिलाएंगे आप चालू कर देंगे, पहले सुनने के चक्कर में आप, अरे लेकिन आप उसको तब मिलाना, आपके कार्यों ने उसको
निकला, लोगों का पैसा गाड़ी कमरे का चला गया, चालू निकला देखिए आपने, आप उसको मत गिरा रहे काम आज में भी सब आपने कहा मेडिकल वालों में गाड़ी लगा दिया।
तीन बार के पार्षद मेरी बात को सुनिश्चित करो, अपने मंडल अध्यक्ष की पांच बार के तीन चार पांच रेट वगैरह के बारे में।
उनसे ही मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया अगर बाजार दर पर है तो उनको आप परमोटर दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ दूंगा। थैंक यू। कौन सा मशीन है? रोड नाली का सीमेंट कंक्रीट। एक जून बताइए इंजीनियर साहब क्या स्थिति है? टेंडर करके आगे की कार्रवाई की है, मेरा टीएस नहीं हुई है तो उसको तुरंत टीएस को करवाइए। परेशानी थी तो आप मुझसे व्यक्तिगत भी मिल सकती थी भाई साहब के साथ आके।